और बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां अयोध्या के लिए रवाना होगी आस्था स्पेशल ट्रेन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिखाएंगे हरी झंडी। छत्तीसगढ़ के 850 श्रद्धालु जाएंगे अयोध्या। श्रीराम लल्ला दर्शन योजना के तहत करेंगे राम लल्ला के दर्शन। तो रायपुर रेलवे स्टेशन से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राम भक्तों में उत्साह है, जय श्री राम के नारे से स्टेशन जो है वो गूंज गया है। INH की स्क्रीन पर सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के 850 श्रद्धालु आज अयोध्या जाएंगे, जय श्री राम के नारे से स्टेशन गूंजा हुआ है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको रायपुर रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय जो है वो रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ ही देर में वो आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि ये ट्रेन अयोध्या जा रही है। इस ट्रेन में छत्तीसगढ़ के 850 श्रद्धालु जो है अयोध्या जाएंगे, जहां वो जाकर श्री लल्ला के दर्शन करेंगे। तो आज अयोध्या रवाना होगी ये आस्था स्पेशल ट्रेन। सीएम विष्णुदेव साय अब से कुछ ही देर में इस स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राम भक्तों में, छत्तीसगढ़ के राम भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रायपुर रेलवे स्टेशन जो है वो श्री राम के नारे के गूंज से गूंज उठा है। तो सीएम विष्णुदेव साय रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, अब से कुछ ही देर में आस्था स्पेशल ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन अयोध्या जाएगी, छत्तीसगढ़ के 850 श्रद्धालु इस ट्रेन से अयोध्या जाएंगे, जहां वो श्री राम लल्ला के दर्शन करेंगे। रायपुर रेलवे स्टेशन से INH की स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विष्णुदेव साय अब से कुछ ही देर में आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। राम भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि उनको रामलल्ला, श्री रामलल्ला के दर्शन करने को मिल रहा है। आपको बता दें कि श्री रामलल्ला दर्शन योजना के तहत इन सारे श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जाया जा रहा है, जहां ये जाकर श्री रामलल्ला के दर्शन करेंगे। को बता दें 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम लल्ला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में ये योजना लाई गई थी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को राज्य सरकार जो है वो अयोध्या लेकर जा रही है। इससे पहले भी एक बार एक आस्था स्पेशल ट्रेन को अयोध्या के लिए रवाना कर चुके हैं। उस वक्त भी कई सारे छत्तीसगढ़ के राम भक्त जो है श्री राम लल्ला के दर्शन किए थे। अब ये दूसरी ट्रेन है आस्था स्पेशल ट्रेन, जिसको आज सीएम विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाएंगे। ये सीधी तस्वीरें INH की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम आपको। सीएम विष्णुदेव साय ने आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। रायपुर रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन जो है वो रवाना हो गई है, जो कि अयोध्या जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के 850 श्रद्धालुओं को लेकर ये ट्रेन अब अयोध्या जाएगी। तो सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। INH की स्क्रीन पर ये सबसे पहले तस्वीरें हम आपको रायपुर रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय ने आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ये ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है। जितने भी श्रद्धालु हैं जो अयोध्या जा रहे हैं, राम भक्त जो है उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जय श्री राम के नारे जो है वो रायपुर रेलवे स्टेशन में लगातार लगाए जा रहे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आस्था स्पेशल ट्रेन जो है वो रायपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है।
आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है। रायपुर रेलवे स्टेशन से सीएम विष्णु देव साय ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि छत्तीसगढ़ के 850 श्रद्धालु अयोध्या इस ट्रेन के माध्यम से जाएंगे। आपको बता दें तो श्री राम लल्ला दर्शन योजना के तहत आज फिर से एक बार आस्था स्पेशल ट्रेन को रायपुर रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस ट्रेन में करीब 850 श्रद्धालु जो है वो अयोध्या जाएंगे। सीएम विष्णु देव साय मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं सुनाते आपको। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो रामलला दर्शन योजना लागू करेंगे, जिसमें सरकारी खर्चे पर राम भक्तों को भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ आज से हो रहा है। आज पहला ये ट्रेन हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किए हैं। इसमें रायपुर संभाग के 850 राम भक्त, जिसमें माताएं बहने भी हैं, सब अभी अयोध्या के लिए यहां पर रवाना हुए हैं। और इस अवसर पर हमारे मंत्रीगण भी हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के आदरणीय रामविचार नेताम जी हैं, आदरणीय दयालदास बघेल जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, हमारे विधायकगण हैं मोतीलाल साहू जी और बहुत सारे विधायकगण हैं। सब लोग यहां पर आकर उनको विदाई दिए हैं, उनको शुभकामनाएं दिए हैं कि वो अच्छे से अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करके आए, छत्तीसगढ़ के लिए दुआ लेके आए, आशीर्वाद लेके आए। और ये सिर्फ अयोध्या ही नहीं, और भी जगह ये दर्शन करने के लिए ये लोग जाएंगे। और आज ये शुरुआत हुआ है और आगे बिलासपुर से भी ट्रेन रवाना होगा, अंबिकापुर से भी रवाना होगा। लगातार अब राम भक्तों के लिए रामलला दर्शन योजना में ट्रेन अयोध्या जाते रहेगा। हम लोग मंत्रिमंडल के साथ बहुत जल्दी जाने वाले हैं। अब देखिए, कुछ लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी जी का तो पूरा देश है, 148 करोड़ लोग उनके परिवार के लोग हैं। चलिए धन्यवाद। बैठक है, उसमें क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता से पहले का निर्णय और आप जो है लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि लाभार्थियों को देने जा रहे हैं। अब कैबिनेट का निर्णय का तो ब्रीफ होगा ना, उस समय पता चलेगा। व्यवसाय को सुन रहे थे आप। आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम विष्णु देव साय मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने अपना बयान दिया है स्पेशल ट्रेन को लेकर, योजना को लेकर। तो मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आपको बता दें कि आस्था स्पेशल ट्रेन को रायपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखा दी है। जय श्री राम के नारे से पूरा स्टेशन, रायपुर रेलवे स्टेशन उस वक्त गूंज उठा। छत्तीसगढ़ के 850 श्रद्धालु जो है अयोध्या जाकर श्री राम लल्ला के दर्शन करेंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जो यात्री जाएंगे उनको शुभकामनाएं देने पहुंचे हुए, कितना उत्साहवर्धक है ये कि आज रामलला के दर्शन करने छत्तीसगढ़ से यात्री अयोध्या जा पा रहे हैं? बहुत ही उत्साह का क्षण है, हम सब के लिए बहुत ही एक ये सोच सकता है कि लोग
प्रभु राम का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और हमारी सरकार के द्वारा बेहतर से बेहतर सुविधा उनके लिए मुहैया करा रही है कि प्रभु राम का दर्शन करना चाहते हैं, अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे सरकार की ओर से किसी प्रकार कोई कमी न रहे। माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार के द्वारा बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। हम सब चाहते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद हम सब प्रदेशवासियों को मिले, हमारा प्रदेश उत्तरोत्तर विकास की ओर क्यों आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। हम ऐसे तमाम सारे श्रद्धालुओं को मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। निश्चित ही उनके आशीर्वाद से ही हमारा इस सरकार बना है। हम उनके लिए हमारे विष्णुदेव साय जी श्रवण कुमार की भूमिका में हैं, उनसे जो भी बनेगा प्रदेश के जनता के लिए वो श्रवण कुमार की तरह वो सेवा करेंगे। आपसे रामलला दर्शन योजना के बारे में बात करने इसलिए भी खास है क्योंकि आप भी कुछ दिन पहले अयोध्या गए थे, आपने अपना जन्मदिन भी अयोध्या में रामलला का आशीर्वाद लेकर मनाया, कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका अयोध्या दर्शन का? बहुत ही मैं वहां पहुंच करके अभिभूत हूं और अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि प्रभु राम के चरणों में जा करके मुझे वहां जन्मदिन मनाने का अवसर मिला। सरयू मैया के तट में जा करके वहां सेलिब्रेट हम लोगों ने किया और वो क्षण मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता। ये हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है।